नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, पेश आज का न्यूज बुलेटिन। देश का 71वां गणतंत्र दिवस हिमाचल प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल के पद्मश्री अवार्डियों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। खुद माफिया के संरक्षक व जन्मदाता है कांग्रेस नेता, बोले स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार। मंडी पुलिस ने बस सवार युवक से पकड़ी 850 ग्राम चरस। देश का 71वां गणतंत्र दिवस हिमाचल प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हुआ, जहां से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा प्रदेश भर में मंत्रियों ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, वो मार्च पास्ट की सलामी ली। शिमला में पहली बार डाक विभाग के कर्मचारी डाकिये भी परेड का हिस्सा बने। साथ ही हिमाचल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस बल, सेना होमगार्ड, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस, आर्मी बैंड, पुलिस बैंड समेत 23 दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। कैप्टन निखिल चिकारा ने परेड की अगुवाई की। इसी तरह बिलासपुर में आईपीएस मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण करके मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसके बाद विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों सहित लोक संस्कृति को पेश करते हुए नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर जिला की 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोक नृत्य के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। सोलन में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और शिक्षण संस्थानों के बच्चों से मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम पर अपना संबोधन दिया और सभी को इस दिवस पर शुभकामनाएं दी। बाद में सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में स्कूली बच्चों व अन्य शिक्षण संस्थानों सहित आंगनबाड़ी व महिला मंडलों के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मंडी जिला में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हुआ, जिसमें वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर तिरंगा लहराकर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंत्री ने पहले शहीद स्मारक में माल्यार्पण किया और उसके बाद पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। हमीरपुर स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए। मुख्य अतिथि ने सबसे पहले जनता को 71वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि आज देश विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाकर उभरा है। चंबा के चौगान मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके अमूल्य बलिदान की बदौलत ही आज हम गणतांत्रिक राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। चौधरी ने ध्वजारोहण किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड व विभिन्न स्कूलों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने तिरंगा फहराकर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज उन वीर सपूतों को याद करना आवश्यक है जिनकी बदौलत देश को आजादी मिल पाई है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए ऊना की, तो ऊना में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। परमार ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इसके अलावा अगर बात की जाए कुल्लू की, तो कुल्लू जिला के ढालपुर में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करके मार्च पास्ट की सलामी ली और क्षेत्रवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलांग और किन्नौर जिला के रिकांगपियो में वहां के उपायुक्तों ने गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। हिमाचल के पद्मश्री अवार्डियों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित होने पर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा और अभिनेत्री कंगना रनौत को बधाई दी है। इसके अलावा दिल्ली में गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने ग्रुप कैप्टन गौरव को भी बधाई दी। यह अवार्ड हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा और मंडी से संबंधित बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को मिल रहा है। उनका कहना था कि हिमाचल के लोगों को इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चयनित होना अपने आप में पूरे प्रदेश व देश के लिए गौरव का विषय है। खुद माफिया के संरक्षक व जन्मदाता है कांग्रेस नेता, बोले स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने अपने ऊना दौरे के दौरान कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे माफिया के आरोपों पर पलटवार किया है। परमार ने कहा कि कांग्रेस खुद ही माफिया की संरक्षक और जन्मदाता है। कांग्रेस के नेताओं को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। इसके अलावा ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक रसतपाल रायजादा द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर दी गई धरने की चेतावनी पर परमार ने इसे विधायक का स्वभाव व स्टंट बताया। मंडी पुलिस ने बस सवार युवक से पकड़ी 850 ग्राम चरस।
मंडी पुलिस ने वॉल्वो बस में सवार एक युवक से 850 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना की पुलिस टीम ने बीती रात ब्यूली पुल के पास रूटीन चेकिंग के लिए नाका लगा रखा था। ऐसे में मनाली से दिल्ली जा रही एक वॉल्वो बस को चेकिंग के लिए रोका गया और पुलिसकर्मी जब बस के अंदर गए तो सीट पर बैठा एक युवक घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो उससे 850 ग्राम चरस बरामद की गई और उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है, जिसकी पहचान हरियाणा के करनाल निवासी दीपक के रूप में हुई है। तो ये था आज का न्यूज बुलेटिन, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूँ मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।